सरकार मिल रही। देखिए क्या है खास खबर सीवान से। विश्व का विख्यात हेल्थ ट्यूब सेंटर का हुआ उद्घाटन। बच्चा ना होने से परेशान होकर सीवान के बाहर जाया करते थे इलाज कराने, पर आपके शहर सीवान में सरोज हेल्थ केयर के सेंटर के नाम से खुल चुका है। कम पैसे में हर इलाज आपको यहां पे मिलेगा, तो देखिए क्या फैसिलिटी है इस हेल्थ ट्यूब सेंटर पर। सारा पेशेंट्स जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो सारे पेशेंट्स यहीं का ट्रीटमेंट होगा। बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनकी नलें बंद हैं, इवन पुरुषों में जहाँ शुक्राणु नील है वो भी आके अपना इलाज यहाँ पे करा सकते हैं। बहुत साल से जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब यूवी के द्वारा अपना बच्चा यहाँ पे आके कराएं। सेंटर का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? सिवान में हमने एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर लॉन्च किया है सरोज हेल्थ केयर यूनिट के साथ, जहाँ पे डॉक्टर रिचा एंड डॉक्टर सरोज सिंह हमें पूरा सपोर्ट देंगे, जहाँ पे ये पेशेंट्स देखेंगे। और सीड्स ऑफ इनोसेंस जो दिल्ली की एक ब्रांच है, हमें पटना में भी ब्रांच है, डॉक्टर वंदना हेड कर रही हैं, तो डॉक्टर वंदना भी आके यहाँ पे अपना आपको समय देगी हर हफ्ते। महिलाओं को क्या क्या फायदे मिलेंगे इससे? आपकी प्रक्रिया क्या होगी, होगा दिल्ली या फिर पटना फिर? नहीं नहीं, सारा चेकअप यहीं होगा, सारे आपके टेस्ट यहीं होंगे, आपके IVF के इंजेक्शंस, मॉनिटरिंग, अल्ट्रासाउंड सब कुछ यहीं होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चा बना के अंदर डालते हैं, उसके लिए बस आपको अभी पटना आना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हमारा ये काम आगे बढ़ेगा हम 6 महीने बाद यहाँ पे पूरा सेंटर लॉन्च करेंगे। पटना में कौन डॉक्टर्स होंगे जो वहाँ? डॉक्टर वंदना मिश्रा है यहाँ पे। ये दूसरा सेंटर है सिवान में, बिहार में? हाँ, बिहार में ही हमारा दूसरा सेंटर लॉन्च हो रहा है। बस EMI फैसिलिटी है ऑल ओवर इंडिया का, मतलब यानी 7 states में ऑलरेडी रन कर रहा है, जहाँ पे हम पेशेंट्स को EMI यानी किश्तों में पैसे देकर, इंटरेस्ट फ्री पैसे देकर वो अपना इलाज करा सकते हैं। और बाकी तो सेंटर से सॉरी मैडम, वैसे ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देती हैं, तो उनके लिए हम लोग अगर ऐसा कुछ होगा तो इंस्टॉलमेंट की भी व्यवस्था रख के काम करेंगे, रियायती दरों पे काम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जितना हो सके काम संभव करेंगे। हमारे सेंटर से जहाँ पे 1.5-2 लाख लगता था, अब वो रेट्स हमारे कुछ कम ही है यहाँ। मैडम आप पूरे सेंटर को यहाँ मॉनिटरिंग करेंगे, हाँ। तो सबसे पहले एक ही जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो यहाँ बचपन की समस्या है वो कई लोग देखते हैं, तो ऐसे में जागरूकता कैसे फैलेगी? जागरूकता के लिए भी बीच बीच में हम लोग कैंप्स लगाते रहेंगे, ज़रूर जाके कभी कभी ग्रामीण स्तर पर भी कैंप लगाएंगे अपने हिसाब से जागरूकता पैदा करने के लिए, और जहाँ तक हो सके कुछ होर्डिंग्स, कुछ IEC मटीरियल वगैरह के साथ हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, बाकी आप लोगों के सहयोग से ज़रूर जागरूकता फैलती रहेगी। सिवान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सिवान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सिवान के लोगों से ये कहना चाहेंगे जो दूर दूर तक अभी जाते थे और आपके सहयोग से ही ये काम संभव हो पाया है, तो कृपया मतलब अपना सहयोग जरूर दें। इस तरह का सिस्टम सिवान में शुरू किया गया, कितना सफल होगा और क्या इसके लिए? मुझे उम्मीद है कि पूरा सफल होगा, क्योंकि सिवान की महिलाएं बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के पेशेंट है। इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि यहाँ इनफर्टिलिटी का पेशेंट बहुत ज़्यादा है और वो इधर उधर भटकती रहती है, तो इसलिए हमने इसको खोला है कि उनको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ ही उनका इलाज हो जाएगा और जो भी जरूरत होगा यहाँ उनका काम। मैंने कहने का मतलब जो बाहर जो सुविधाएं जो पटना और दिल्ली जाते थे वो सुविधा हमारा सिवान में ही होगा, क्योंकि सिवान एक मेडिकल हब है, यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है।